नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ठंड को लेकर। बिहार में बदलते मौसम के मिजाज के साथ साथ अब तो जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से ठंड का सितम देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार में कोल्ड जैसी स्थिति होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि तापमान को लेकर जो है कोई बड़ा बदलाव होना नहीं है। लेकिन प्रदेश के 19 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में कुछ क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव काफ़ी अधिक रहेगा। इस कारण से इन इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहने की बात कही गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, यानी कि पिछले 24 घंटे की बात कही गई तो वहीं पर कुछ भाग में कोहरे का भी प्रभाव बना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदेश में आज कल के तापमान के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान जो है 18 से 20 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार की बात कर लें तो इसके तहत आने वाले जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में अधिकतम तापमान जो है 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर पूर्व बिहार की बात कर लें तो इसके तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का औसतम तापमान जो है वह 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का अगर हम न्यूनतम तापमान औसतन देख ले तो 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का औसतन तापमान जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम दक्षिण पूर्व बिहार की बात कर ले तो इसके तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया अधिकतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई। वहीं अगर हम मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट की माने तो उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व मध्य जिलों के अलग अलग भागों में मध्य से कोहरे यानी कि मध्य से घने कोहरे रहने की बात जो है वह कही गई है। अलर्ट के तौर पे जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे कोहरे की बात की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि उत्तर पश्चिम का इलाका है, उत्तर मध्य बिहार का इलाका है और उत्तर पूर्व मध्य बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि मौसम विभाग ने 19 ऐसे जिले हैं जहाँ पे सुबह सुबह हमें कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही कहा है कि हवा का रुख भी जो है वो बदल सकता है। पछुआ हवा के कारण एक बार फिर से प्रदेश में जो है ठंड का प्रभाव बढ़ने वाला है। हालांकि मौसमी चक्रवात के कारण जो है एक साइक्लोन, एक टर्फ लाइन जो है वो बिहार से गुजर रहे थे, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश हमने देखा। उसके बाद एक बार फिर से जो है ठंड का सितम बिहार में दिखने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।